हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हॉबी इज गार्डनिंग में। और देखिए, पतझड़ आ गया है, पतझड़ का मौसम आ गया है। अब हर प्लांट अपने नए नए किले निकालेगा। और दोस्तों, एक बात और है, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे या हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं या हमारी जानकारी या हमारी बातें कुछ भी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्लीज़ प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आएंगे। और चलिए, अब आपको दिखाते हैं अपना गार्डन। तो ये देखिए, नए नए किले अब निकलने लग गए हैं। ये अब फरवरी में तो स्प्रिंग सीजन आ जाता है, पतझड़ होने लगता है। ओल्ड लीव्स, परमानेंट प्लांट्स की ओल्ड लीव्स जो हैं झड़ने लग जाती हैं। तो और ये देसी गुड़हल है, ठंड में खिलता नहीं, खिलता है, बहुत छोटे फूल देता है। हाइब्रिड गुड़हल जो है विंटर्स में अच्छे फूल देता है, लेकिन बहुत ठंड होने पर वो भी अपना साइज़ छोटा कर देता है। तो ये सारी आज तो मैंने यही काम किया है, क्लीनिंग का। ये देखिए, इतने सारे पत्ते एक जोरा के और उसके सारे ये देखिए झड़ गए हैं। अभी ये जो सूखे पत्ते, इनको भी क्लीन करना है, क्योंकि हमें अपने प्लांट्स को क्लीनिंग की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हेल्दी प्लांट्स आपको चाहिए तो प्लांट्स की क्लीनिंग पे ध्यान जरूर दीजिए। जैसे हम लोग अपनी हेल्थ अच्छी रखने के लिए अपने घर को, खुद को क्लीनिंग पे, हाइजीनिंग पे ध्यान देते ही हैं, उसी तरह से हमें अपने प्लांट्स को के साथ भी करना है, तभी हमारे प्लांट्स अच्छे से हेल्दी रहते हैं। ये देखिए, ये सारी लीव्स सूखी और फिर भीग गई और फिर इस तरह से हो गई हैं। तो ये सारा ही सब साफ सफाई कर देंगे। इनमें से पॉट में से सारी पत्तियां निकाल ली हैं, जिससे कि जो बारिश हुई है उससे क्या है, हमारे प्लांट्स की मिट्टी जो है सूख जाएगी, नहीं तो फिर उसमें फंगस आ जाएगी। फंगस से बचाने के लिए हमें अपने प्लांट्स को क्लीनिंग पॉट की करनी ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी है तो आप उसकी गुलाई भी कर दीजिए। और ये देखिए, इसमें नए नए किले निकलने लग गए हैं। आलमंडा का ये प्लांट है, ये भी आलमंडा है, ये भी आलमंडा है। इसमें तो अभी किले नहीं आए हैं, पर इस वाले में किले आने लग गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ये सूखे पत्ते सारे हटा देंगे। कटिंग तो हम अभी नहीं करेंगे, अभी ये कटिंग का टाइम नहीं है, क्योंकि अभी ये किले जब निकलने लग जाएंगे तो आइडिया हो जाएगा किले कहाँ से आ रहे हैं, कि किधर से। कभी कभी क्या होता है, हम प्लांट पूरा कट कर देते हैं, फिर किले नहीं आते हैं, बहुत देर में आते हैं। इस वजह से अभी हम इसको कट नहीं करेंगे। इसको तो मैंने पहले ही कट कर दिया था। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा आगे से मैं छाट दूँगी। नॉट से ही किले आते हैं और इसमें भी आ जाएंगे कुछ ही दिनों में, मुझे ऐसा लग रहा है। और जो ये प्लांट बेकार हो गए हैं उनको हटा देंगे। सारी क्लीनिंग हमें करते रहना है दोस्तों, ताकि ये देखिए, मेरे डहलिया के प्लांट हेल्दी तो खूब हो गए, ये कली टूट गई, लेकिन अभी बर्ड्स नहीं आई हैं। तो बर्ड्स का इंतजार कर रहे हैं। प्लांट्स मतलब घने हो गए हैं, ग्रोथ अच्छी हुई है साइड से भी, सब तरफ से, बस अभी जो है बर्ड्स नहीं आई हैं। ये छोटे वाले में, इसमें कोई कोई में बर्ड्स आ गई हैं। कोई कोई प्लांट बेचारा बहुत ही अजीब सा हो गया है ठंड में, इसमें छोटे वाले में तो बर्ड्स आ रही हैं, अभी इसमें नहीं आई हैं। शायद ये थोड़े से और मतलब बड़े साइज़ के हो जाएंगे तभी आएंगी। इस तरह से मेरा गार्डन अभी ये साफ सफाई का कर देंगे। बस इतनी छोटी सी ये झलक थी कि अब गार्डन में पतझड़ आ गया है। तो पतझड़ में हम अभी काम किया है,
उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा गार्डन। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों। और ये देखिए मैंने अपराजिता की भी साफ़ सफाई कर दी है। ये जो ग्रीन ग्रीन है डंडियाँ स्टेम जो भी आप समझिए उसी को मैंने छोड़ा है। और जो सूखी सूखी थी वो सब मैंने हटा दी हैं। हटाने के बाद भी अभी थोड़ी बहुत जो है अंदर की साइड में रह गई हैं, वो बाद में फिर हटा देंगे। अब देर हो रही है मुझे घर के काम भी देखने हैं दोस्तों। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।